हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे चिकन रेसिपी। तो चिकन रेसिपी बनाने के लिए हमने आधा केजी चिकन लिया और इसे अच्छी तरह हमने धो लिया है। धोने के बाद हमें से एक साइड कर लेंगे। इसमें हम ले लेंगे ये प्याज कटा हुआ, जो हमने छोटे छोटे कट में काट लिया है। और इसमें हम मसाले लेंगे, ये लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, नमक स्वादानुसार, और ये कसूरी मेथी जो हम स्वाद के लिए डालते हैं और खुशबू के लिए भी, और ये है गरम मसाला जो हमने आधे चम्मच से ज़्यादा ली है, ये 1 से 1.5 चम्मच, धनिया पाउडर, और ये 1 चम्मच हल्दी पाउडर। और ये हमने लिया लहसुन अदरक और काली मिर्च का, जीरा और काली मिर्च का पेस्ट। कुकर को हमने गैस पे चढ़ा लिया है। चढ़ाने के बाद इसमें हमने डाल दिया तेल, सरसों का तेल। तेल को थोड़ा हम कड़क होने देंगे। छौंक लगाने के लिए हम लेंगे ये जीरा, काली मिर्च और छोटी इलायची, और ये 2 लकड़ी, ये साबुत हम लेंगे। तो तेल मेरा लगभग कड़क चुका है, तो इसमें हम डाल देंगे साबुत मसाला। फिर डाल देंगे हम प्याज। प्याज को हम अच्छी तरह भून लेंगे, ब्राउन होने तक इसे हम भूनेंगे। प्याज ब्राउन हो चुका है, अब इसमें हम डाल देंगे ये मसाला जो हमने इसका पेस्ट बना रखा था। थोड़ी सी पानी डाल के हमने इसे पेस्ट बना लिया, क्योंकि सूखी मसाला डालने से मसाला जल जाता तेल में, इसलिए हमने इसे पेस्ट बना लिया है। मेरा प्याज भी ब्राउन हो चुका है, तो हम मसाला पहले इसमें डाल देंगे। थोड़ी सी पानी लेकर के इस मसाले को धो करके भी हम इसमें डाल देंगे। फिर थोड़ा सा मसाला पानी ग्रेवी बनाएंगे। इसमें तेल छोड़ने तक इसे हम भूनेंगे। तो मसाला मेरा तेल छोड़ चुका है, तो इसमें अब हम डाल देंगे चिकन। और इसे अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम थोड़ी ऐड करेंगे इसमें पानी। और फिर इसे हम लगा देंगे 2 सीटी। ढक्कन बंद करेंगे और 2 सीटी लगाने तक का वेट करेंगे। तो 2 से 3 सीटी लगा करके हमने चिकन को उतार लिया। और देखिए मेरा रिजल्ट चिकन का कितना ग्रेवी और कितना टेस्टी दिख रहा है। ग्रेवी भी और टेस्टी भी, बहुत ही टेस्टी दिख रहा है। तो एक बार ट्राई करके अभी जरूर देखो और बता कि कैसा बना है। बाय।